आज पुरानी राहों से। हेलो दोस्तों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, सलाम अलैकुम। मैं आपका दोस्त सलीम अहमद हाजिर हूँ आपकी सेवा। कोई मुझे आवाज ना दे। वीडियो देखने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आप रफी साहब के बहुत बड़े फैन हैं और उनके बारे में सुनना चाहते हैं, उनके बारे में जानना चाहते हैं और उनके गीतों से आपको लगाव है, तो इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा। दर्द में डूबे गीत ना दे, क्योंकि मुझे इंतजार रहता है दोस्तों आपके कमेंट और लाइक का। गम का सिसकता साज ना दे। ये जो गाना आप सुन रहे हैं, शुरू में आपने सुना गाने के बोल, आज पुरानी राहों से कोई मुझे आवाज ना दे। हजारों लोगों की फरमाइश है इस गाने को सुनने की। तो मेरे दोस्तों, मैं आपको इस गाने के बारे में बस थोड़ी सी बातें करते हैं और फिर ये गाना आपको जरूर सुनाया जाएगा। तो फिल्म का नाम था आदमी। दिलीप कुमार साहब इसमें एक्टिंग कर रहे थे, मनोज कुमार साहब इसमें एक्टिंग कर रहे थे, वहीदा रहमान जी इसमें एक्टिंग कर रही थी और ये सारे एक्टर अपने वक्त के बेहतरीन एक्टर्स में गिने जाते हैं। साल था 1968। फिल्म एक तमिल फिल्म का रिमेक थी जिसमें मानवीय संवेदनाओं को पूरी तरह से उभारा गया था। एक अमीर आदमी की कहानी दिखाई गई है जो कि एक बहुत बड़ा अमीर आदमी है। माता पिता का बचपन में कार एक्सीडेंट में डेथ हो चुकी है। बचपन की अपनी एक दोस्त से मोहब्बत करता है और वो दोस्त भी बचपन में ही गुजर जाती है, तो उसकी याद में एक छोटी सी गुड़िया बनाकर अपनी अलमारी में संभाल कर रख लेता है और उसकी यादों के सहारे पूरी जिंदगी जीता है। जब ये बड़ा हो जाता है तो इसे मीना नाम की एक लड़की से मोहब्बत हो जाती है। उस लड़की से मोहब्बत के बाद ये शादी कर लेता है। एक दोस्त होता है इसका मनोज कुमार साहब के रूप में। उस दोस्त से जब ये अपनी मीना को मिलवाता है तो मीना को मिलवाने के बाद फिर दोस्त पे शक करने लगता है। एक एक्सीडेंट हो जाता है, अपनी टांग गंवा देता है और कंडीशन ऐसी हो जाती है कि अक्सर इंसान जब थोड़ा सा हैंडीकैम हो जाता है तो परेशान हो जाता है। वो सोचता है क्या करूं, कौन मेरे साथ है, कौन मेरे साथ नहीं। यही इस फिल्म में दिखाया गया है। एक बेहतरीन फिल्म है। दिलीप कुमार साहब ने इसमें बहुत ही बेहतरीन एक्टिंग की है और मनोज कुमार साहब ने भी बहुत बढ़िया अभिनय किया है और वहीदा रहमान जी का तो कहना ही क्या। तो मैं कहता हूँ आप साहब इस फिल्म को ज़रूर देखिएगा। फिल्म के गानों की बात अगर करते हैं तो फिल्म के सारे गाने सुपरहिट ब्लॉकबस्टर हैं, जिनमें एक गाना है, कितनी हसीन आज बहारों की शाम है, एक चांद आसमां पे है, एक मेरे साथ है, वो देने वाले तूने तो कोई कमी ना की, अब किसको क्या मिला ये मुकद्दर की बात है। ये गाना इसी फिल्म का। इसके अलावा एक गाना है, मैं टूटी हुई एक नैया हूँ, मुझे चाहे जिधर ले जाओ, ये भी सुपर हिट गाना है। इसके अलावा फिल्म में और भी दो तीन गाने हैं जो कि बहुत अच्छे हैं। इस फिल्म को उस वक्त साल 1968 में फिल्म फेयर अवार्ड के लिए दिलीप कुमार साहब को नॉमिनेशन किया गया था और मनोज कुमार साहब का बेस्ट सहायक एक्टर के तौर पर नॉमिनेशन किया गया था। तो दोस्तों, कहने का मेरा मतलब ये है कि ये गाना काफ़ी लोगों की फरमाइश पर मैंने रिकॉर्ड कर लिया है, पर इस गाने को मैं आपको कल सुनवाऊँगा क्योंकि काफ़ी दिन से मुझे वक्त नहीं मिल पा रहा है कुछ भी रिकॉर्ड करने का। इस वक्त दिवाली का टाइम चल रहा है तो सारे लोग बिजी हैं, अपने अपने कामों में लगे हुए हैं, तो इस वजह से मुझे भी थोड़े से कुछ मसरूफियत का सामना करना पड़ रहा है, तो मैं नहीं कर पा रहा हूँ रिकॉर्ड। लेकिन बहुत जल्द आपको मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से और एक अच्छे अच्छे गाने जो मैंने आपकी फरमाइश पर रिकॉर्ड करने हैं, अभी किए नहीं हैं, कर लूँगा और आप लोगों से बहुत जल्द सामना होगा और इंशाल्लाह कुछ बेहतरीन गाने आपके सामने पेश किए जाएंगे। तो मेरे दोस्तों, अभी के लिए बस इतना ही था। कल सुबह ये गाना अपलोड होगा, बिल्कुल तैयार रहिएगा देखने के लिए। आपका दोस्त सलीम अहमद अब आपसे इजाज़त लेता है।